मतलब ऑन एन एवरेज 65-70 तक, मतलब इतनी अपनी स्कूटी की स्पीड रखूंगा तो तब हम अपना स्कूटी का माइलेज देखेंगे। और मुझे पता है कि माइलेज बहुत ज़्यादा कम आएगा, मतलब 55-56 से तो पता नहीं कितने डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक बार रुक के दिखाता हूँ कि कितने का एवरेज आया मेरी स्कूटी का, माइलेज कितने का दे रही है। हेलो चल गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी टाइमर है सुबह के 9:54 एंड आज की वीडियो में हम करेंगे अपनी स्कूटी का माइलेज टेस्ट। मतलब मैंने बहुत बार अपनी स्कूटी का माइलेज टेस्ट किया है, मतलब एक बार 50 रुपये में भी किया था और एक बार 1 लीटर में भी किया था। बट आज का जो माइलेज टेस्ट होगा ना वो एकदम अलग होगा। और अलग क्यों होगा? बिकॉज जब भी मैं मतलब नॉर्मली माइलेज टेस्ट वगैरह अपनी स्कूटी का करता हूँ ना, तो हमेशा मतलब इकोनॉमी मोड में यहाँ पे टेस्ट करता हूँ। बट आज जो टेस्ट करूँगा वो होगा मतलब इकोनॉमी मोड पे नहीं होगा। बाकी मैं आगे आपको डिटेल वगैरह अभी देता हूँ। बाकी अभी मैं यहाँ पे सुबह के टाइम राइड पे आया था, तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना जाते जाते एक व्लॉग बना दिया जाए, माइलेज टेस्ट किया जाए अपनी स्कूटी का। तो मेरे पे होंडा ड्यू है। अभी आपको जो आगे की सारी बातें वगैरह होंगी ना वो अभी आपको सीधा मोटर व्लॉग पे करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी वगैरह जा रही है ना, ये देखो ट्रक वगैरह, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो अभी आपको सीधा मोटर व्लॉग पे मिलते हैं। ऑल राइट गाइस, अभी मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। एंड जो मैं आपको बता रहा था ना, आज का जो माइलेज टेस्ट होगा वो एकदम अलग क्यों होगा? बिकॉज जब भी मैं नॉर्मली मतलब माइलेज टेस्ट करता था ना, तो मैं अपनी स्कूटी की जो स्पीड होती है ना वो उसे मतलब 40, 50, 40, 50 इतने पे रखता था। मतलब इकोनॉमी पे अपनी स्कूटी चलाता था। जैसे अभी मेरी स्कूटी इकोनॉमी पे चलेगी तो ये देखो इसकी तीनों लाइट जो है ना ग्रीन कलर की, वो मतलब यहाँ पे शो हो रही है। बट जैसे मैं 60 पे जाऊँगा, 70 पे चलाऊँगा, तो मतलब तब जो थोड़ा माइलेज वगैरह होता है ना वो थोड़ा सा कम आ जाता है। अब जैसे मैं अपनी स्कूटी का जो मतलब माइलेज निकालता था इकोनॉमी मोड में, तो तब मेरी स्कूटी का माइलेज आता था 55, 56। और हाँ, मैं आपको बता दूँ मेरे पास होंडा डियो है, ठीक है, तो माइलेज आता था 55, 56, कभी कभी 57 तक भी है जब मैं बिल्कुल इकोनॉमी पे चलता हूँ। बट आज मैंने क्या सोचा है कि मैं अपनी स्कूटी को ना 60, 70 या 80 तक, मतलब ऑन एन एवरेज 65-70 तक, मतलब इतनी अपनी स्कूटी की स्पीड रखूँगा तो तब हम अपना स्कूटी का माइलेज देखेंगे। जितना मुझे लगता है कि 45 या 46 इतने तक आएगा। और जब मैं सुबह को राइड पे आया था ना, तो तब भी मेरी स्कूटी की स्पीड इतनी थी। तो अभी जो मेरी स्कूटी में एवरेज शो कर रहा होगा ना, तो वो रिफ्रेश हो चुका होगा। रिफ्रेश इन द सेंस कि जब भी मैं नॉर्मली कभी स्कूटर चलाता हूँ ना, तो 40-50 इतने पे चलाता हूँ, तो उस हिसाब से एवरेज इसमें शो करता है। बट आज सुबह से मतलब 80 किलोमीटर में अभी तक अपनी स्कूटी चला चुका हूँ, तो इस वजह से जो एवरेज है इसका वो रिफ्रेश हो गया होगा। और 50-60 वाला भी एवरेज नहीं आएगा, अभी आएगा तो कम वाला एवरेज आएगा, और मैं श्योर तो नहीं हूँ। बाकी अभी यहाँ से हम अपनी स्कूटी की स्पीड काफ़ी अच्छी खासी मेंटेन करके चलेंगे और पूरा देहरादून तक यही स्पीड मेंटेन करके चलेंगे। मतलब बीच बीच में थोड़ा सा ट्रैफिक लगेगा वो अलग बात है, बट एवरेज तो इतनी स्पीड मेंटेन करके चलेंगे हम। और लास्ट में मैं आपको इसकी एवरेज दिखाऊंगा कि कितना आएगा, लेट्स सी भाई कितना आता है। और आई थिंक इस वाले ब्लॉग में आपको थोड़ा सा विंड नॉइस वगैरह ज़्यादा आएगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना, वॉइस का इशू आएगा। अभी यहाँ से जो रोड स्टार्ट होगी ना वो एकदम खाली खाली रोड होगी, मतलब उतना ट्रैफिक नहीं रहेगा, तो हमें मतलब अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यार। एंड अभी यहाँ से आपका रायपुर भी स्टार्ट हो गया है, तो देखो मैं एवरेज ऑन एन एवरेज 65-70 इतनी अपनी स्कूटी की स्पीड रख रहा हूँ, तो ये बात आप ध्यान में रख लेना। और मुझे पता है कि माइलेज बहुत ज़्यादा कम आएगा यार, मतलब 55-56 से तो पता नहीं कितना डिक्रीज हो जाएगा। लेट्स सी कितना आता है, जितना मुझे अंदाज है इतना ही आएगा यार। 48 भी आ सकता है, मे भी इतना तो आना चाहिए यार, 48-49 तक। सुबह सुबह निकलने का एक ये फ़ायदा तो रहता है कि आपको ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिलता, मतलब ना के बराबर मिलता है यार। मतलब देखो ना, गिनी चुनी गाड़ियाँ आ रही है अभी, और मतलब सुबह सुबह राइड करने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। वरना आप तो समर्स आने वाले हैं ना, तो दिन के टाइम पे तो जो लू चलेगी, जो गर्मी लगेगी ना भाई, राइड करने का बिल्कुल मन नहीं करता। एंड सुबह के टाइम मैंने अपने वॉर्म वाले ग्लव्स पहने थे, बट अभी मैंने राइडिंग ग्लव्स पहन लिए हैं, बिकॉज स्पीड थोड़ा अच्छी खासी मेंटेन करके जाना है ना, तो भाई सेफ्टी तो अपनी रखनी पड़ेगी। हेलमेट वगैरह सब कुछ पहने हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाले ग्लव्स भी पहन लेते हैं भाई, जब सेफ्टी करनी है तो पूरी करेंगे। बट अभी मैं नीचे लोअर वोअर पहन के आया हूँ, मतलब वैसे नी गार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे पे। हाँ, तो मतलब इतनी ज़्यादा सेफ्टी भी नहीं चाहिए, वैसे तो चाहिए यार, बट या ठीक ठाक, मतलब एकदम देख के हम अपनी स्कूटी चलाएंगे। एंड ये वाली वीडियो बनाने का मैंने इसलिए भी सोचा,
बिकॉज ये वाली जो रोड है ना रायपुर से लेके देहरादून तक की, तो ये एकदम ऐसी खाली खाली वाली रोड है। तो यहाँ पे मैं मतलब अपनी स्कूटी की स्पीड ना कंटिन्यूसली मतलब 65, 70, 80 भी रख सकता हूँ। बट नॉर्मली जब कभी मैं जाता हूँ किसी और रोड पे, तो वहाँ पे मतलब धीमे धीमे चलना पड़ता है। कभी जंगल वाला एरिया आता है, कभी सिटी आ जाती है, तो वहाँ पे रिस्की भी होता है। बट ये तो एकदम हाईवे टाइप का है ना, तो यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है यार। और ये वाली वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट वगैरह करते हैं मेरी माइलेज वाली वीडियो पर या फिर कोई भी नॉर्मल वीडियो पर कि भैया आपकी स्कूटी इतना माइलेज कैसे दे रही है, 55 का, 56 का, आप झूठ बोलते होंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो माइलेज वगैरह होता है ना स्कूटी का, कार का, बाइक का, किसी का भी ले लो, तो वो आपकी ना राइडिंग पे डिपेंड करता है कि आप अपनी स्कूटी को कैसे राइड कर रहे हो। अब मैं आपको बता दूं कि मैं नॉर्मली जब भी राइड करता हूँ तो मैं इकोनॉमी मोड पे चलाता हूँ भाई, 40-50, तो इसलिए माइलेज काफ़ी अच्छा आ जाता है। बट आज जैसे मैं 60 पे चला रहा हूँ, 70-80 पे चला रहा हूँ, तो आज माइलेज कम हो जाएगा। तो जब भी मैंने दोनों माइलेज टेस्ट किया ना अपनी स्कूटी के, तो वो दोनों इकोनॉमी पे किए हैं, तो इसलिए मेरी स्कूटी का माइलेज उतना अच्छा आया था भाई, 55 का, 56 का, नॉर्मली इतना ही आता है। तो आज तो तेज चला रहे हैं तो आज तो कम ही आएगा ना। गाइस यहाँ से आगे की रोड देखो भाई, एकदम ही सीधी यार, मतलब एकदम ऐसा ट्रैक टाइप का लग रहा है। और व्यू चेक कर रहे हो, अभी तो हम ब्रिज पे आ गए ना, आगे एकदम मतलब पेड़ तो है बट सारे, एक भी पत्ता नहीं है भाई पेड़ पे। इस वाले पेड़ पे थोड़ा सा फूल वूल लगे हैं शायद से, पता नहीं क्या है। और इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि मैं आज ही मतलब जब यहाँ आया हूँ ना हाईवे पे, तो टॉप स्पीड भी टेस्ट करूँगा। बट उसका टाइम नहीं मिला यार बिकॉज मुझे अभी घर थोड़ा सा जल्दी जाना है ना, एक अर्जेंट काम याद आ गया, तो जिस वजह से आप टॉप स्पीड वगैरह तो मैं नहीं टेस्ट करूँगा। क्योंकि अगर मैं टॉप स्पीड वगैरह टेस्ट करता ना तो फिर मुझे वहाँ से जाना पड़ता थानों वाली रोड से और एयरपोर्ट होते हुए और टोल होते हुए। बट अभी मैं शॉर्टकट रास्ते से जा रहा हूँ, मतलब जिससे मैं आया था उसी से अभी जा रहा हूँ। पर रोड देखो यार यहाँ की भाई, मतलब बिल्कुल सीधी यार, सीधी भाई। सुबह सुबह जब ये मैं संडे राइड में आता है ना भाई, जो मज़ा आती है ना, सर्दी तो लगती है बट वाइब अलग आती है यार सच में। बहुत गिनी चुनी गाड़ियाँ, अभी देखो मैं 70 पे चल रहा हूँ, 70-71 भाई, माइलेज के तो आज लग जाएंगे ढंग से सच में। और मुझे इतना बुरा लगेगा ना देख के, क्योंकि इसी स्कूटी में मेरा माइलेज आता है 55-56 का। और अगर आप अपनी स्कूटी को इकोनॉमी पे भी चलाते हो फिर भी आपकी स्कूटी का जो माइलेज होता है वो गड़बड़ाया रहता है, मतलब 40-45 इतने में। तो एक बार आप या तो शोरूम जा सकते हो या तो अपनी स्कूटी की सर्विसिंग करा सकते हो, क्योंकि सर्विसिंग कराना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। एंड अभी हम पहुंच चुके हैं आपका महाराणा प्रताप चौक, तो यहाँ से अभी पूरा सिटी वाला एरिया आ जाएगा। हाँ वैसे अच्छी बात हो जाएगी यार, एक तो मैं मतलब अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके भी चल रहा हूँ और सिटी का माइलेज भी आपको पता चल जाएगा स्कूटी का, मतलब दोनों इसमें कवर हो जाएंगे, तो ये बात ठीक है यार। एंड यहाँ से मेरा घर आई थिंक 15 किलोमीटर दूर है, मे बी, आई एम नॉट श्योर। ऊप्स, वैसे शॉर्टकट से जाऊँ क्या यार, यहीं से चलते हैं यार, ये वाला ना शॉर्ट पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आगे से जाता रहा मैं तो भाई वहाँ एक तो ट्रैफिक में भी फंसेंगे और उल्टा लंबा भी पड़ेगा, ये वाला तो एकदम ही शॉर्ट पड़ेगा। और टाइम पे भी मुझे पहुँचना है ना, मैं ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आया हूँ। जब भी ऐसा कभी मैं राइड वगैरह पे जाता हूँ, संडे राइड पे जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता यार, मतलब नहीं हो पाता। और उतनी सुबह सुबह एक तो खाने का मन भी नहीं करता ना, सुबह 7 बजे 8 बजे भाई कौन ही खाएगा यार। तो अभी घर जाके सीधा ब्रंच ही होगा अपना, 11 बजे तक तो मे बी मैं पहुंच ही जाऊंगा घर, तो काफ़ी अच्छा सा टाइम है वैसे। सुबह सुबह अपनी राइड भी हो गई और राइड करके जो स्ट्रेस फ्री होता हूँ ना मैं भाई, आजकल तो ऐसा स्ट्रेस हो रहा है ना, एग्ज़ाम चल रहे, फिर और भी कुछ बातें हैं भाई, तब अजीब सा होता है। बट जैसे थ्रॉटल अपने हाथ में आता है ना तब तो ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं रखा भाई। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं घंटाघर, एंड यहाँ से मेरे घर का रास्ता हार्डली आधा घंटे का होगा, तो भाई मैं 11 बजे तक तो अपने घर पहुंच ही जाऊंगा पक्का से। हाँ बट मुझे अभी थोड़ा सा आगे भी जाना है, मेरे एक काम है ना, तो सुद्धोवाला तक जाना, उसके बाद वहाँ से फटाफट अपने घर आ जाएंगे। एंड अभी मैं इंदिरा मार्केट से आया तो भाई इंदिरा मार्केट पूरा बंद हुआ है यार, मतलब 10:30 बज गया अभी तक खुला भी नहीं। और यहाँ की जो भी ऑलमोस्ट बहुत सारी शॉप्स हैं ना, ये देखो ये जो भी मतलब मोबाइल वगैरह की शॉप्स हैं भाई, ऑलमोस्ट सारी क्लोज है यार। एंड गाइस अभी मैंने सुबह से अपनी स्कूटी को 111 किलोमीटर चला दिया है और ऑन एन एवरेज मैंने 60-65-70-80 तक भी अपनी स्कूटी को चलाया है, तो जो माइलेज आएगा ना वो मतलब इसी स्पीड में आएगा, इस स्पीड में शो करेगा मीटर में। तो मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ, होप कि यहाँ पे मीटर साफ से दिख रहा होगा यार, या तो एक जगह पे कहीं पे छाया में रुक के ना
वहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ आगे भी एक पेड़ है। अच्छा यहाँ पे है यार छाया, तो यहाँ पे आपको एक बार रुक के दिखाता हूँ कि कितने का एवरेज आया मेरी स्कूटी का, माइलेज कितने का दे रही है। ये देखो एक सेकंड, तो ये देखो भाई 49.1 का माइलेज इतनी स्पीड में दे रही है अपनी स्कूटी। ये देखो 49.1, मतलब ठीक है उस हिसाब से, ज़्यादा बेकार भी नहीं है। बट जैसे अगर मैं नॉर्मली इकोनॉमी पे चलाता हूँ ना, तब तो भाई 56 का आता है, 55-56, तो मतलब 6-7 का तो डिफरेंस आ रहा है यार, 6-7 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है, जो कि है यार काफ़ी ज़्यादा है। वैसे अगर इकोनॉमी में चलाओ तो मतलब 6-7 किलोमीटर और भी ज़्यादा चल जाएगी, बट अगर ऐसे स्पीड में चलाओ ना 65-70 पे, तब थोड़ा सा कम चलेगी भाई अपनी स्कूटी। तो अगर आपको माइलेज अच्छी चाहिए तो इकोनॉमी मोड पे चलाया करो अपनी स्कूटी, बट अगर आपको माइलेज वगैरह से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तब तो आपको जैसी चलानी हो वैसे चलाओ, बट हाँ स्पीड में मत चलाया करो, बिकॉज सेफ्टी के लिए भी बोल रहा हूँ मैं आपको। माइलेज तो मतलब जो भी होता रहेगा, सेफ्टी आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए यार। एंड अभी यहाँ से मेरा घर बस आई है। सो ओके गाइस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको वाला ब्लॉग पसंद आएगा सो प्लीज़ हिट द लाइक, कैन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट बिलो फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। सो तब तक के लिए बाय पुची।